नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीरा के 25 फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, जीरा तो हर घर में पाया जाता है और हर किसी ने एक बार तो ज़रूर खाया होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें जीरा के फ़ायदों के बारे में पता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जीरा के 25 फ़ायदों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, जीरा आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है। इसे नियमित रूप से खाने से खून की कमी दूर हो जाती है और जीरा अगर गर्भवती महिलाएं खाएंगी तो उनके लिए ये अमृत की तरह काम करेगा। जीरा, अजवाइन, सौंठ, काली मिर्च और स्वाद के अनुसार काला नमक और उसमें थोड़ी सी घी में भुनी हुई हींग मिलाकर खाने से पेट दर्द में आराम मिलता है और पाचन शक्ति भी बढ़ती है। दोस्तों, जिन्हें भूख नहीं लगती है उन्हें जीरा, अजवाइन और स्वाद के अनुसार काला नमक मिलाकर उसका चूर्ण बनाकर रोज़ाना एक चम्मच लेने से भूख बहुत ही तेज़ी से लगना शुरू हो जाता है। आँखों में दर्द होना या फिर आँखें लाल हो जाना, ऐसे में आपको 3 ग्राम जीरा लेना है और 125 ग्राम फिटकरी लेना है। इन दोनों को एक पोटली में बांधकर गुलाब जल में डुबोकर छोड़ दीजिए और कुछ देर बाद उस गुलाब जल को अपने आँखों में 2-2 बूंद करके डालिए। डायरिया होने पर भुना हुआ जीरा दही में डालकर खाने से डायरिया में आराम मिल जाता है। दोस्तों, जी मचलने पर आपको क्या करना है, जीरे को नींबू के रस में भिगोकर और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालकर खाने से जी मचलना बंद हो जाता है। दोस्तों, बार बार हिचकी आना, ऐसे में आपको क्या करना है, थोड़ा सा जीरा लेना है और उसमें सिरका डालकर खाना है। ऐसा करने से बार बार हिचकी आना बंद हो जाता है। दोस्तों, मलेरिया होने पर जीरे को गुड़ के साथ मिलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना लीजिए और उसके बाद इन गोलियों को खाते रहने से मलेरिया जैसे रोग में लाभ मिलता है। एसिडिटी होने पर एक चुटकी कच्चा जीरा खा लीजिए, बस इतना करने से आपको एसिडिटी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, जीरा डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। आपको क्या करना है, एक छोटा चम्मच जीरा का पाउडर लीजिए और उसको पानी के साथ में दिन में 2 बार लीजिए। ऐसा करने से आपका जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों, अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है तो आपको जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, सौंठ का पाउडर और करी पाउडर, इन सभी को बराबर मात्रा में मिलाकर मिश्रण तैयार कर लेना है और इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देना है। फिर इसे खाते वक्त इसमें घी डालकर चावल के साथ आपको खाना है। ऐसा करने से कब्ज की समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको अनिद्रा की शिकायत रहती है तो आपको क्या करना है, एक पका हुआ केला लेना है, उसे मसल कर उसमें थोड़ा सा जीरा मिलाकर खाना है। ऐसा करते रहने से अनिद्रा की समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों, जीरा में एंटीसेप्टिक तत्व पाए जाते हैं। सीने में जमे हुए कफ को बाहर निकालने के लिए जीरे को पीस कर फाँक लें, यानी कि 1 चम्मच जीरा पाउडर आपको मुँह में डालकर ऊपर से उसे पानी से निकल जाना है। ऐसा करने से सर्दी और जुकाम से भी राहत मिल जाती है। दोस्तों, हिस्टेरिया रोगी को क्या करना चाहिए, हींग को पानी में उबाल लेना चाहिए और उसमें जीरा पाउडर, पुदीना पाउडर और आधा नींबू निचोड़ कर थोड़ा सा नमक डालकर पीना चाहिए। ऐसा करने से फ़ायदा होता है। दोस्तों, थायराइड, गले की गांठ में 1 कप पालक के रस के साथ 1 चम्मच शहद और 1/4 जीरा पाउडर मिलाकर पीना चाहिए। ऐसा करने से फ़ायदा होता है। दोस्तों, मेथी पाउडर, अजवाइन पाउडर, जीरा पाउडर और सौंफ का पाउडर, इन सभी को 50-50 ग्राम की मात्रा में लेकर मिक्स कर लीजिए और स्वाद के लिए थोड़ा सा काला नमक मिला दीजिए और इसे रोज़ 1 चम्मच लेने से शुगर, जोड़ों का दर्द और पेट की सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। डिलीवरी के बाद जीरे का सेवन करने से गर्भाशय की सफाई भी हो जाती है। अगर आपको खुजली की समस्या रहती है तो जीरे को पानी में उबाल कर नहाने से खुजली की समस्या ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, 1 ग्लास ताजी छाछ में थोड़ा सा सेंगा नमक और भुना हुआ जीरा मिलाकर भोजन के साथ लेने से अजीर्ण यानी कि बदहजमी और अपच से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, आंवले की गुठली निकालकर पीस कर भून ले, फिर इसमें स्वाद अनुसार जीरा, अजवाइन, सेंगा नमक और थोड़ा सा भुना हुआ हींग मिलाकर इसकी गोली बना ले और फिर इन गोली को खाने से भूख बढ़ती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इससे डकार, चक्कर और दस्त में भी फ़ायदा होता है। दोस्तों, अगर आप अपने चेहरे को साफ़ और चमकदार बनाना चाहते हैं तो जीरे को पानी में उबालकर ठंडा होने के बाद इस पानी से अपने चेहरे को धोएं।
ऐसा करने से चेहरा साफ और चमकदार हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको भूलने की बीमारी है या फिर आपकी याददाश्त कमज़ोर है तो ऐसे में आपको जीरा भूनकर खाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी। दोस्तों, जिनको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या सांस से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो उन्हें जीरे का नियमित प्रयोग किसी भी रूप में करना चाहिए। चाहे आप उसे चबाकर खा लीजिए या फिर मसाले के रूप में इस्तेमाल करिए या फिर उसे उबालकर पीजिए, किसी भी रूप में आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, दक्षिण भारत में अक्सर जीरे का पानी पीते हैं। उनके अनुसार इसके सेवन से मौसमी बीमारियां नहीं होती हैं, जैसे कि लोग मौसम बदलते ही बीमार हो जाते हैं, ऐसी बीमारियां नहीं होती हैं और पेट भी तंदुरुस्त रहता है। दोस्तों, अगर आपको बवासीर है तो 50 ग्राम जीरे का पाउडर और 50 ग्राम पीसी हुई मिश्री दोनों को मिलाकर इसे सुबह शाम एक एक चम्मच लेने से बवासीर में आराम मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जीरे के ये 25 फ़ायदे जो मैंने इस वीडियो में बताया आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।